अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मकरोनी सलाद, जिसके लिए मैंने लिया है ये पानी, चूल्हे में बिठा दिया हूँ, उबल चुकी है। मैं अभी इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा सा तेल डाल के मैं मकरोनी को बॉईल कर लूंगी। पहले ये जरा सा तेल डालूंगी मैं इसमें, और ये मैं डाल रही हूँ 1 कप मकरोनी। ये जो पहले मैं मकरोनी बॉईल करके तैयार कर लूंगी। ये हमारी मकरोनी अभी बॉईल हो चुकी है, देख सकते हैं। इसी तरह से जब थोड़ा सा हो जाए फिर मैं इसको स्टॉप कर दे रही हूँ। अभी मैं इधर एक फ्राई पैन ले चुकी हूँ, इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये थोड़ा सा चिकन मुझे फ्राई करना है लाइट सा। मैंने ब्लैक पेपर, 1 पिंच ब्लैक पेपर डाला और 1 पिंच सॉल्ट डाला, और इसमें जाएगा हमारा थोड़ा सा नींबू, इतना ज्यादा नहीं। मैं अच्छे से मिला लूंगी चिकन को, और मैं इसमें 1 टीस्पून डालूंगी ऑयल, और ये चिकन को मैं लाइट सा फ्राई कर लूंगी, इतना कोई खास नहीं। थोड़ा सा जैसे पक जाए चिकन, तो है चिकन ऐसे ही पक जाती है जल्दी से। तो ये हमारा मिलाना हो चुका है, मैं अभी इसको फ्राई कर ले रही हूँ। चलिए ये हमारे चिकन फ्राई हो चुके हैं, मैं अभी इसको छोले से निकाल दूंगी। ये थोड़ा सा ज्यादा से ही, मतलब ज्यादा लॉन्ग टाइम की जरूरत नहीं, थोड़ा सा जैसे चिकन इतना जल्दी से ही पक जाती है, थोड़ा सा फ्राई हो चुकी है तो मैं अभी आग स्टॉप कर रही हूँ। ये हमारे सलाद की सब चीजें तैयार कर चुकी हूँ, मैं अभी सलाद बनाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बड़ा सा बाउल लूंगी, और ये जो सब सामान है मैं उसमें एक एक करके मिलाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं मकरोनी डाल रही हूँ सब, और मकरोनी डाल के मैं सबसे पहले डाल दूंगी ये हरी मिर्ची, लिया है मैंने 2 हरी मिर्ची, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये जाएगा हमारा। और मैं डाल दूंगी ये चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा था, वो ये चिकन एक ही ब्रेस्ट पीस है, एक मुर्गी का हाफ ब्रेस्ट पीस जो है वो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और फ्राई किया था। तो ये मैंने लिया है चिकन, और मैं अभी जाएगा ये हमारा 1/2 कप तकरीबन ये चना, काबुली चना जो है उसको मैंने बॉईल कर लिया है थोड़ा सा नमक डाल के, तो ये जाएगा हमारा। और अभी डाल दूंगी मैं इसमें ये 1 छोटे साइज का टमाटर, और अभी हमारा जाएगा इसमें 1 कुकुम्बर, और मैं डाल दूंगी इसमें 2 टेबल स्पून धनिया, और अभी मैं इसको थोड़ा सा जैसे अभी इसमें सलाद के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो होती है वो मैंने लिया है ये इसमें, और इसमें डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून नींबू का रस। इतना कुछ ज्यादा मैं खट्टा नहीं करूंगी क्योंकि मैंने चिकन में भी थोड़ा सा नींबू डाला है। और अभी जाएगा हमारा 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, मैंने जो उसको पहले थोड़ा सा भून के पाउडर बना के रखा था वो जाएगा हमारा। और मैं इसमें डाल दूंगी अभी 1 चम्मच चाट मसाला, और हमारा जाएगा अभी नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मैं इसको मिला लूंगी, मैं अभी डालूंगी इसमें नमक, नमक अपने हिसाब से ही डालिए, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, और मैं अच्छे से इसको मिलाऊंगी। नींबू का रस, तेल, ये सब अपना हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना क्वांटिटी में इतना ही चाहिए तो मैं इतना ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो
चलिए मैं ये जो मसाला रेडी किया वो मैं डाल देती हूँ इसमें, ड्रेसिंग जो रेडी किया था। ये मैं सब डाल के अच्छे से मिलाऊंगी। ये जो सलाद होती है मकरोनी सलाद, ये हेल्दी भी है और बहुत मजे का चटपटा बनता है, आप इसको बनाइए। और ये मसाला से इसमें बहुत सारे, ये दो तरह से वेजिटेबल, आप चाहे तो गाजर और दूसरी चीजें भी कोई चाहे तो डाल सकते हैं। तो ये मसाला से पूरी तरह से हेल्दी है और टेस्टी मजेदार भी है। चलिए तो अभी हमारा ये मिलाना हो चुका है अच्छे से। मैं अभी अच्छे से मिला चुकी हूँ इसको, तो मैं सर्विंग प्लेट में डाल रही हूँ इसको। ये हमारी मकरोनी सलाद की रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, बना के ट्राई कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और हेल्दी भी है। और रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो अपना फ्रेंड्स फैमिली से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट कोई मज़ेदार अच्छी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।